रमेश भाई सर स्टार्ट। सर स्टार्ट सर स्टार्ट। ओके ओके ऑल राइट ऑल राइट। सो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ऑल। आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल डिफेंस एंड गुड मॉर्निंग ऑल टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू हैव अ वेरी नाइस संडे मॉर्निंग। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये टॉपिक बेसिकली एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसमें से क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। आई डिसाइडेड दैट देर आर सम डिफेंस एग्जाम्स विच आर इन लाइन राइट नाउ। तो उसके लिए और दूसरे बाकी सारे एग्जाम्स के लिए जैसे SSC रेलवे वगैरह में या बाकी इस तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए डिसाइडेड कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द अवार्ड्स इन इंडिया एंड गिविंग मोर प्रायोरिटी टू द गैलेंट्री अवार्ड। ओके दिज आर रिलेटेड टू डिफेंस। सो आई रिक्वेस्ट फ्रॉम द वेरी वेरी बिगिनिंग ये क्लास थोड़ी लंबी खींचेगी। ओके सो हैव पेशेंस बिकॉज ये एग्जाम में पेशेंस का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ओके सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस फर्स्ट स्टार्ट द अवार्ड्स इन इंडिया। ओके इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, लेट मी गिव यू द रोड मैप फर्स्ट। ओके वी विल टॉक अबाउट ऑल द सिविलियन अवार्ड्स फर्स्ट। ओके जितने सारे सिविलियन अवार्ड्स हैं इंक्लूडिंग भारत रत्न एंड द पद्म अवार्ड्स दैट वी विल टॉक अबाउट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑल द मिलिट्री अवार्ड्स। व्हेन आई से मिलिट्री अवार्ड्स दे आर बेसिकली क्लासिफाइड इन टू 5 टाइप्स। ओके मिलिट्री अवार्ड्स में एक होते हैं वॉर टाइम अवार्ड, जो कि युद्ध युद्ध चल रहा होता है किसी देश के साथ तब उस तरह के अवार्ड्स दिए जाते हैं। युद्ध में कोई अगर मतलब साहसिकता दिखा के कोई अगर वीर गति को प्राप्त होता है तो उनको ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं। पीस टाइम अवार्ड जैसे गुरिला वॉरफेयर हो रहा हो, माओइस्ट इंसर्जेंसी के टाइम में, या तो कोई यू नो मिलिटेंट अटैक के टाइम में हो जाए तो पीस टाइम अवार्ड दिया जाता है। देन वॉर टाइम और पीस टाइम सर्विस अवार्ड। ओके एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड, डिस्टिंग्विश्ड पीस टाइम एंड वॉर टाइम सर्विस अवार्ड। सो दीज आर ऑल मिलिट्री अवार्ड, ये हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। सी फ्रेंड्स अगेन आई रिपीट दिस थिंग, इट इज गोइंग टू बी अ डिटेल डिस्कशन। ओके सो कीप योर पेन एंड पेपर रेडी और अगर हो सके तो मैं जो जो क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर दे दीजिएगा। ऑलराइट तो इन डेप्थ एनालिसिस इज रिक्वायर्ड एंड योर पेशेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। नेक्स्ट थर्ड हो गया विमेन और चिल्ड्रन के लिए जो जो अवार्ड्स होते हैं इंडिया में वो सारे देख लेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट सम मेडिसिन रिलेटेड अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। लिटरेचर में जो सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ, दैट वी विल टॉक अबाउट। स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर में क्या क्या अवार्ड्स हैं जो कि बार बार पूछते हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों का कंटिन्यूस फीडबैक रहा है कि सर मिसलेनियस जी के से कुछ टॉपिक करवाएं, तो उसके लिए मैंने आज ये टॉपिक डिस्कस किया है। ओके सिनेमा एंड आर्ट्स के रिलेटेड जैसे नेशनल फिल्म अवार्ड वगैरह दैट विल टॉक अबाउट। देन पर्टिकुलर अवार्ड्स रिलेटेड टू पुलिस एंड ब्रेवरी। सो दिस इज गोइंग टू बी द गेम प्लान और द यू नो एक्शन प्लान टुडे। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट वन दैट इज भारत रत्न। ओके आपने ये जो मेडल है इसको देखा होगा बहुत बार। भारत रत्न इज बेसिकली द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया एंड व्हेन आई से रिपब्लिक ऑफ इंडिया दैट मींस वी बिकम रिपब्लिक आफ्टर 26 जनवरी 1950। ओके सो व्हेन आई से द भारत रत्न देयर आर सर्टेन बेसिक डिटेल्स जैसे कि कब बना था, ये कब से देना चालू हुआ, 22 जनवरी 1954। सो ये डेट याद रखनी है 2 जनवरी 1954। अच्छा रिकमेंडेशंस आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। अब भारत रत्न इतना सोफिस्टिकेटेड होता है ना कि कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलता है। ओके एंड बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल अचीवमेंट की गई हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं लेट अस टॉक अबाउट। मैक्सिमम नॉमिनीज पर ईयर इज 3 रिमेंबर, एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। अगर आप याद करो इन लास्ट टाइम अगर भारत रत्न मिला था देवर बेसिकली भूपेन हजारिका, देन नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी, ये 3 लास्ट टाइम इनको भारत रत्न मिला था दैट विल बी ऑल नो। रेसिपिएंट्स रिसीव दिस थिंग लाइक एक सर्टिफिकेट होता है इसमें साइन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स, एक पीपल लीफ शेप्ड मेडालियन होता है जैसे मैंने आपको इमेज बताया। देयर इज नो मॉनेटरी ग्रांट, यू शुड कीप दिस इन माइंड। ओके जब मैं इस चीजों को इतना एलैबोरेटली बता रहा हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि इन चीजों के ऊपर आप फोकस करो कि रियलाइज करो कि फ्रेंड्स हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि Which of the following is true regarding भारत रत्न? ऑप्शन क्या होंगे, ए बी सी एंड डी, इसमें ऑप्शन हो सकते हैं। Which of the following is not true or true? इस तरह के क्वेश्चन भी मोस्टली आते हैं। ओके एंड जब आप CDS या तो NDA टाइप के एग्जाम में बैठते हो फ्रेंड्स आई नीड टू टेल यू दिस थिंग
इस तरह की एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करता है, और यूपीएससी के क्वेश्चन के रेंज किस तरह के होते हैं आपको पता होगा, राइट। सो भारत रत्न के बारे में इतना डिटेल तो एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। सी टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्यों? एक बार हम लोग इसको पढ़ेंगे और अच्छे से इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, राइट। नेक्स्ट, ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है ना, इसमें ये जो भारत रत्न अवार्डी होते हैं ना, वो 7th रैंक में आते हैं। ओके, देयर इज अ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट विच इज यू नो हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद यू नो दिस ऑर्डर कंटिन्यूस, मतलब सीनियोरिटी इन द सेंस यू नो इम्पोर्टेंस के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट इंसान इंसान इंडिया में कौन है? प्रेसिडेंट। और ये जो भारत रत्न अवार्डीज होते हैं ना, वो आते हैं 7th रैंक में। ओके, अंडर प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देन सीएजी, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे होते हैं 7th रैंक में आते हैं भारत रत्न अवार्डी, वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम। फर्स्ट रेसिपिएंट्स वेर सी राजगोपालाचारी, एज यू ऑल नो। ओके, सी राजगोपालाचारी वॉज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ भारत रत्न। नेक्स्ट इन दिस लाइन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको भी उसी साल में दिया गया था, और सीवी रमन। सो ये तीनों जो थे पहले रेसिपिएंट थे इन द ईयर 1954। सिंस देन द अवार्ड हैज बीन बेस्टाउड अपॉन 48 इंडिविजुअल्स। आज तक इतने लोगों को मिल चुका है भारत रत्न। देन लाल बहादुर शास्त्री बिकम द फर्स्ट इंडिविजुअल टू बी ऑनर्ड पोस्थमसली। फ्रेंड्स आई टेल यू, यहाँ पर पोस्थमसली का मतलब ये होता है मरणोपरांत। एक इंसान जिंदा होता है तब तक नहीं, मरने के बाद अगर कोई अवार्ड मिले उसको पोस्थमस अवार्ड बोलते हैं। ओके, तो लाल बहादुर शास्त्री वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट इट पोस्थमसली। इन 2014 सचिन तेंदुलकर एट द एज ऑफ 40 बिकेम द यंगेस्ट रेसिपियंट। तो अगर ये सारे एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ जाएं, सो आई होप यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन। ओके, सो हु आर द फर्स्ट यंगेस्ट रेसिपियंट ऑफ भारत रत्न? सचिन तेंदुलकर। फर्स्ट पोस्थमसली किसको मिला? लाल बहादुर शास्त्री। सोशल रिफॉर्मर धोंडो केशव कारवे वॉज द फर्स्ट टू बी अवॉर्डेड एट द हाइएस्ट एज। सबसे ओल्डेस्ट एज में किसको मिला है? 100 साल के एज में मिला है किसको? ना धोंडो केशव कारवे। फर्स्ट सिंगर टू गेट इट वॉज एम एस सुब्बलक्ष्मी। अब एम एस सुब्बलक्ष्मी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट सिंगर फ्रॉम इंडिया हु परफॉर्म्ड इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ओके, तो शी वॉज एम एस सुब्बलक्ष्मी। ओके, नेक्स्ट वन नेचुरलाइज सिटीजन जिनको मिला था, शी वॉज मदर टेरेसा। सी मदर टेरेसा वॉज नॉट फ्रॉम इंडिया, शी नेचुरलाइज द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। देर आर 5 ways टू अक्वायर सिटीजन इन इंडिया, सिटीजनशिप इन इंडिया। भारत में 5 तरीकों से आप सिटीजनशिप हासिल कर सकते हो, ऑलराइट। वन ऑफ द वेज इज नेचुरलाइज सिटीजन। ओके, टू नॉन इंडियन, अब्दुल गफर खान एंड नेल्सन मंडेला, ये एग्जाम का क्वेश्चन है फ्रेंड। ओके, सो फार 2 नॉन इंडियंस को मिला हुआ है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लें कि किस पाकिस्तानी नेशनल को ये भारत रत्न का अवार्ड मिला था, अब्दुल गफर खान, वी बेस्ट नो हिम फॉर एज फ्रंटियर गांधी, इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रंटियर गांधी। ओके, एंड ही एस्टेब्लिश द रेड शर्ट ग्रुप। ओके, इन 2019 नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका एंड प्रणब मुखर्जी गॉट दिस हाइएस्ट अवार्ड। बट एक और एक्सेप्शनल क्वेश्चन हो सकता है, हु वॉज द थॉट ऑफ गिविंग दिस अवार्ड लेकिन उनको मिला नहीं। इट वॉज सुभाष चंद्र बोस, जिनको मिलने का था लेकिन उनको वो अवार्ड फिर कैंसिल कर दिया गया। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द यू नो दिस भारत रत्न, द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। नेक्स्ट इट इज फॉलोड बाय द पद्म अवार्ड। ओके, पद्म अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन 1954 एंड अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन रिपब्लिक डे। अब ये पद्मा अवार्ड जो होते हैं वो रिपब्लिक डे में अनाउंस होते हैं। रिसेंटली वी सेलिब्रेटेड इट, तो अभी भी इस साल अनाउंस हुए हैं। गिवन इन 3 कैटेगरीज प्रेसिडेंट्स के हिसाब से, उस सबसे ऊपर आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ओके, दिस इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। बार बार ये भी क्वेश्चन आता है। पद्म विभूषण, एज यू कैन सी दिस मेडालियन, द सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। और फील्ड क्या क्या है? आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विसेज। ओके, इट इज द स्ट्रक्चर, एक्चुअली इट इज अ सर्कुलर शेप एंड यू नो इट हैज अ ब्रोंज कंटेंट इन इट एज वेल। एट द सेंटर देयर इज अ लोटस फ्लावर। ये सारी इसकी यू नो मतलब, और ऊपर क्या लिखा है आप देखिए, पद्म लिखा है और नीचे विभूषण लिखा हुआ है। सो दिस इज हाउ द मेडलियन लुक्स लाइक। ऑन द रिवर साइड इट हैज एम्बलेम ऑफ द इन द स्टेट मोटो। इस मेडल के पीछे तरफ सिंह के तीन सिर वाला निशान है और उसके साथ
स्टेट का मोटो है, सत्यमेव जयते। द फर्स्ट रेसिपिएंट वेयर सत्येंद्रनाथ बोस, नंदलाल बोस एंड सो एंड सो, एंड दैट टू इन द ईयर 1954। ओके, मोस्ट रिसेंटली अभी किन किन को मिला हुआ है? ऑन 25 जनवरी 2020 लास्ट मिला था जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, एनिर्बोध जोगनाथ, मैरी कॉम, चूनालाल मिश्रा, सुषमा स्वराज, विश्वेश तीर्था। सो दीज वेयर द रिसिपियंट ऑफ द पद्म विभूषण लास्ट ईयर। ओके, नेक्स्ट यू कैन सी द पद्म भूषण, इट इज फॉलोड बाय पद्म भूषण, द हाइएस्ट और द थर्ड हाइएस्ट अवार्ड, सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 2 जनवरी। अब इसके हिसाब से गिवन फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ ए हाई ऑर्डर विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजिशन और सेक्स, मतलब इन चीजों को परे रखते हुए ये अवार्ड दिए जाते हैं, राइट। ऑल द एम्बोसिंग इज डन इन गोल्ड, राइट, एम्बोसिंग इन द सेंस वो जो कमल का फूल का जो एम्बोसिंग हुआ है वो गोल्ड में हुआ होता है, मेडालियन में। ओके, नेक्स्ट, आज ऑफ 2020 द अवार्ड हैज बीन बेस्ट आउट टू 1270 इंडिविजुअल, इंक्लूडिंग 24 पोस्टमस, 97 नॉन सिटीजन रेसिपियंट। ओके, तो अब इनमें से 97 जो है नॉन सिटीजन है, देश के बाहर वाले हैं, उनको भी मिला हुआ है। अवार्ड रेसिपियंट आर अनाउंस्ड ऑन 26 जनवरी, ये भी सेम चीज है। When instituted, 23 recipients were honored with Padma Bhushan. Okay, so Padma Awards is a very potential question of the exam. Lastly, it is Padma Shri, the fourth highest civilian award. Right, first ho gaya Bharat Ratna, then Padma Vibhushan, Padma Bhushan, finally Padma Shri. The fields include service rendered by the government employees. Okay, it is confined to government employees only. Shape of the award is superimposition of geometric pattern on a circle. Padma and Shri are embossed on it. All the embossing is done in stainless steel and the periphery is furnished in bronze. So, ye to ho gaya, you know, medallion ke structure ke bare mein. It is awarded by government on every Republic Day. Awarded in the sense, announced kiya jata hai. Alright, that is followed by the military awards. Let's talk about the military awards now. I hope ये जो civilian awards हैं इसके बारे में एक broad idea आपको आ गया है. And friends, this is going to help you in the exam. Whenever you are going to sit in the exam, इस PDF को एक बार revise कर लीजिएगा. Okay, specially made for this exams only. इसमें सारे awards मैंने mention कर रखे हैं. All the awards that are given in India. So next is military awards. Military in the sense, all those awards which are given to armed forces. Okay, so since July 11, 2019, Army allows close relatives of deceased military personnel to wear their medals on the right side of their chest while attending homage ceremonies. मतलब ये जो होता है ना, कोई आर्मी दिवस हुआ या तो शहीद दिवस हुआ, इस तरह के दिवस में अगर कोई किसी को इनवाइट किया जाता है किसी भी ऐसी बॉडीज को, तो वो तो रहते नहीं है, पोस्टमस हो जाते हैं ना, तो उसके लिए ये उनके जो रिलेटिव्स हैं, आइदर उनके बेटे, उनकी बीवी, वो इस अवार्ड को पहन के आ सकती है वहां पर, दे हैव द राइट टू वेयर दैट अवार्ड। ओके, अच्छा, सो लेट्स टॉक अबाउट द मिलिट्री अवार्ड्स। फर्स्ट, द वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। अब देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, ये मिलिट्री अवार्ड्स 5 तरह के होते हैं, वॉर टाइम, देन पीस टाइम, राइट, देन सेवा मेडल एंड सो एंड सो। ओके, सो दीज वर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 26 जनवरी 1950, जितने सारे वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स थे, एंड दे केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। मतलब इनको एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब, अब लाइन के हिसाब से अगर देखो तो जनवरी 1950 तो बाद में आता है, पहले आ जाता है क्या ना 1947। मतलब 1947 में भी जो वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, इफ यू रिमेम्बर अक्टूबर 26, 1947, जम्मू कश्मीर के रीजन में कंफ्रंटेशन हुआ इनके साथ, पाकिस्तानी आर्मी के साथ इंडियन आर्मी का। ओके, तो उनमें भी अगर कोई शहीद हुए थे तो उनको भी रेट्रोस्पेक्टिव वे में लिया जाएगा और उनको भी अवार्ड्स मिल सकते थे। ओके, सो दैट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1947, वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन। द हाईएस्ट वन बीइंग परमवीर चक्र, वीरों में वीर, परमवीर। सो इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन, अवार्डेड फॉर डिस्प्लेइंग डिस्टिंग्विश्ड एक्ट ऑफ वैलोर ड्यूरिंग वॉर टाइम। अब इसमें यह होता है ना कि परमवीर चक्र जो होता है ना, एनिमी के प्रेजेंस में अगर आपने कोई बहादुरी दिखाई,
वॉर टाइम अवार्ड्स का मतलब सीधा सीधा क्या है कि किसी के साथ वॉर चल रहा है, किसी एनिमी के साथ, उस फील्ड में एनिमी के सामने आपने कुछ किसी तरह की बहादुरी दिखाई, अपने दोस्तों को बचाया, साथियों को बचाया, या तो दुश्मन की का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। हाँ, तो इस तरह की चीजों के लिए, या तो सीने में गोली खा के आप शहीद हुए, तो इस तरह की चीजों के लिए आपको मिलता है क्या ना, गैलेंट्री अवार्ड इन द वॉर टाइम जोन। एनिमी की प्रेजेंस जरूरी है। ओके, परमवीर चक्र ट्रांसलेट द ग्रेटेस्ट ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव। अब वॉर टाइम के लिए दिया जाता है ये अवार्ड। अवार्ड इज ग्रांटेड फॉर मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी। ये वॉर टाइम में इसीलिए बोला जाता है। नाउ इट वाज डिजाइंड बाय सावित्री कनोलकर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पर। किसने इसको डिजाइन किया था? सावित्री कनोलकर, हुज डॉटर्स ब्रदर वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट, जिनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। ही वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द पद्म दिस परमवीर चक्र। ऑन जनवरी 2018 मेडल हैज बीन अवार्डेड एट 21 टाइम्स। दैट मीन 21 लोगों को आज तक दिया गया है ये चीज। इनमें से 14 जो है वो मरणोपरांत मिला है, और 16 एरोज फ्रॉम एक्शन इन इंडो पाकिस्तानी वॉर। ओके, तो मतलब इनमें से 16 दफा ऐसे लोगों को दिया गया है जो इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम में शहीद हुए हैं। आउट ऑफ दिस 21, 20 हैव बीन फ्रॉम इंडियन आर्मी, 1 हैज बीन फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। दीज आर सम सच सम डिटेल्स जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ऑलराइट, ओके। नाउ फर्स्ट फॉर्मल अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब अगर इस तरह के अवार्ड्स की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट दिस वॉर टाइम अवार्ड बिफोर इंडिपेंडेंस। तो पहले इस तरह के अवार्ड दिए जा रहे थे कब? जब लॉर्ड विलियम बेंटिक थे 1834 में, इफ यू रिमेंबर द पर्सन। ऑल्दो दे वर ब्रिटिशर्स, उनके साथ कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जो जो अवार्ड्स हैं इनकी शुरुआत इंडिया में की थी। उस समय में परमवीर चक्र नहीं था, उस समय में उसको बोला जाता था द ऑर्डर ऑफ मेरिट, जिसका नाम लेटर चेंज होके हो गया इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1902। अब परमवीर चक्र, इंडिया का जो परमवीर चक्र है भारत का, ये यूनाइटेड स्टेट्स में किसके साथ बराबरी है? मेडल ऑफ ऑनर, और यूनाइटेड किंगडम में विक्टोरिया क्रॉस के साथ। तो दीज आर गोइंग टू बी दोज क्वेश्चन जिनके आंसर आपको पता होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं, क्योंकि कोई इतने डेप्थ में जाके पढ़ता ही नहीं है। ओके, वो सिर्फ सुपरफिशियली पढ़ लेते हैं कि हाँ अवार्ड्स होते हैं, बट चीजों को इस रेंज में जाके समझने की जरूरत है। ओके, तो नेक्स्ट इज महावीर चक्र। परमवीर चक्र के बाद आता है महावीर चक्र, रिमेंबर दिस सीक्वेंस। ओके, नाउ सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्डेड फॉर एक्ट ऑफ दोज लाइक यू नो वैलियंटनेस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, वेदर ऑन लैंड सी और एयर। जल स्थल और आकाश, कहीं भी आप अगर बहादुरी दिखाते हो तो आपको महावीर चक्र मिल सकता है। रिप्लेस बाय ब्रिटिश डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर। पहले ब्रिटिश के टाइम में ये जो डीएसओ दिया जाता था, ये अवार्ड को इसने रिप्लेस कर दिया। इट मे बी अवार्डेड पोस्टमसली, ऐसा जरूरी नहीं है कि मरणोपरांत ही मिले। महावीर चक्र जिंदा रहने के समय में भी मिल सकता है। वीर चक्र इज फॉलोड दैट फॉलोड बाय वीर चक्र। इट प्रेजेंटेड फॉर एक्ट ऑफ गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी ऑन द बैटलफील्ड, रिप्लेस द डीएससी। इसने किसको रिप्लेस किया? डीएससी। अब देखिए यहाँ पर कोई भी अवार्ड आप ले लो, यहाँ पर मेडलियन के साथ ना एक रिबन दिया जाता है। आप देखो राइट साइड में अब से आपको रिबन दिखेंगे। ओके, हर मेडल के साथ एक रिबन एसोसिएटेड है। ऑलराइट, तो कीप दैट इन माइंड। ये रिबन का कलर देखिए ब्लू है एंड फेडेड ऑरेंज यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो ये रिबन अब से देखेंगे हम लोग। मिलिट्री क्रॉस और डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस, तो इनको रिप्लेस कर दिया किसने? वीर चक्र ने। अवार्ड ऑफ द डेकोरेशन क्या इज राइट टू यूज VRC एज द पोस्ट नॉमिनल एब्रीविएशन। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा फोकस करिए, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। व्हेन आई से समबडी इज ए डॉक्टर, डॉक्टर दैट मीन्स ही कैन यूज द एब्रीविएशन DR अगेंस्ट हिज नेम। दैट मीन्स अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सम पीपल इन इंडिया हैव द राइट टू यूज सर्टन टाइटल बिफोर देयर नेम। मतलब प्रीफिक्स के हिसाब से अपने नाम के आगे कुछ टाइटल लगा सकते हैं, है ना? जैसे कि डॉक्टर हुआ, इंजीनियर्स वगैरह ER लगाते हैं, राइट? तो इस तरह के टाइटल्स आप लगा सकते हो। इट इज अलाउड अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
सो समबडी हु इज अ वीर चक्र अवॉर्डी ही कैन यूज वी आर सी एज अ सरनेम बिफोर और प्रीफिक्स बिफोर हिज नेम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मतलब आप इनको अपने नाम के आगे लगा सकते हो आराम से. ओके, इसको बोलते हैं पोस्ट नॉमिनल एब्रीविएशन, लाइक डॉक्टर. ओके, तो समबडी इफ इज अ वीर चक्र अवॉर्डी वो अपने नाम के आगे वी आर सी लगा सकते हैं. अब दोस्तों आप मुझे पूछोगे सर अगर वीर चक्र वाले लगा सकते हैं तो परमवीर चक्र वाले क्यों नहीं लगा सकते. आप देखो परमवीर चक्र जो है ये पोस्थमस अवार्ड है. मरने के बाद कोई इंसान अपने नाम के आगे कैसे पीवी से लगा सकता है, आप थोड़ा सोच के देखो. ओके, जब जिंदा रहेगा तभी लगा के घूमेगा ना, दिखा के घूमेगा कि हाँ देखो मैं वी आर सी. वो अपने घर के सामने लगाएगा वी आर सी, सपोज ब्रिगेडियर पूरी एंड सो एंड सो. ओके, तो यस जस्ट एन एग्जाम्पल. इन द थर्ड प्रेसिडेंस इन द वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ये तीसरे नंबर पर आता है. ओके, परमवीर, महावीर एंड वीर चक्र. ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पीस टाइम अवार्ड. ओके, पीस टाइम अवार्ड जो होते हैं ना, वॉर नहीं चल रहा होता है उस समय अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस के सिपाही अगर कोई बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि किसी माओइस्ट इंसर्जेंसी हो रही है, कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा है, तब अगर कुछ ऐसा हो जाए राइट, तो मिलिटेंट्स के साथ फाइट करते करते ये मिल सकता है. हाईएस्ट इस रेंज में अशोक चक्र है. ओके, हाँ मनीषा यू सेड द राइट थिंग. महावीर जो है, सी इफ सम डेकोरेशन इज नॉट रिलेटेड टू पोस्टमस, कोई अगर मरणोपरांत नहीं दिया जा रहा है तो महावीर चक्र लगा सकते हैं. बट यहाँ पर वीर चक्र के लिए ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है. वीसी आप लगा सकते हो, वीआरसी अपने नाम के आगे. जस्ट कीप इट इन माइंड. ओके, ओनली फॉर वीआरसी इन दिस लाइन. अच्छा, अशोक चक्र इज द हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री गैलेंट्री मिलिट्री अवार्ड इन इंडिया. ओके, एंड इट इज अवार्डेड फॉर वैलोर, रेजियस एक्शन और सेल्फ सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड. इसको याद रखिएगा, अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड मतलब दुश्मन के प्रेजेंस, मतलब दूसरे देश के दुश्मन के प्रेजेंस के बिना. इट इज अ पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ परमवीर चक्र. ओके, मतलब अगर हम लोग परमवीर चक्र को देखें तो अगर वॉर टाइम में ये जिसका रैंक इसका जितना है, अशोक चक्र का रैंक उतना ही है इन द पीस टाइम. द डेकोरेशन मे बी अवॉर्डेड आइदर टू मिलिट्री और सिविलियन पर्सनल रिमेंबर. ओके, आई साइट यू एन एग्जाम्पल. जम्मू कश्मीर चलते हैं. जम्मू कश्मीर में एक टूरिस्ट बस गई, दैट बस वॉज फ्रॉम गुजरात. ओके, ये जो स्टोरी अभी बता रहा हूँ इसको याद रखिएगा. और इनका नाम क्या है मुझे थोड़ा सर्च करके बताइएगा. ओके, जस्ट अ स्टोरी. द थिंग इज दैट एक गुजरात से एक टूरिस्ट बस गई जम्मू कश्मीर. अब बात यह है कि गुजरात के जम्मू कश्मीर के एक रीजन में मिलिटेंट्स वेर हाइडिंग एंड देवर इन सर्च ऑफ ए मिलिट्री वैन पास फ्रॉम देयर. मतलब वो लोग आर्मी के एक गाड़ी के ऊपर हमला करने के लिए वहां पर मौजूद थे एक जगह पे. वहां से आर्मी की तो गाड़ी गुजरी नहीं, लेकिन ये जो सिविलियन वाली बस थी जो गुजरात से गई थी वो वहां से गुजर रही थी. अब बात यह है इनका जो ड्राइवर था, अब ये बस जब क्रॉस की तो उनके ऊपर सबने मतलब मिलिटेंट्स ने फायर एक बार चालू कर दिया. पूरा गोलियों की बौछार हो रही है. ड्राइवर पैनिक में आए बिना उसने गाड़ी को इस तरह से कंट्रोल किया और भागा के सीधा आर्मी के बेस कैंप तक ले गया. इस साहसिकता के लिए अगर वो चाहता तो वो बस छोड़ के भाग सकता था जिंदगी बचा के. उसने जान की परवाह ना करते हुए गाड़ी को भगाकर मिलिट्री के कैंप तक पहुंचाया, बहुत सारे पैसेंजर्स की जान बचाई. इसके लिए इस इंसान को एक बार मिला था इस तरह का पीस टाइम अवार्ड. अब इंसान का नाम क्या है, इस इंसान का नाम क्या है एक बार मुझे बताइएगा सर्च करके. ओके, सो व्हेन आई से ये मिलिट्री अवार्ड, ये जो पीस टाइम अवार्ड है ये मिलिट्री या तो सिविलियन पर्सनल को भी मिल सकता है. ओके, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुभाष विश्वास वाज द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर टू बी अवार्डेड अशोक चक्र, हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड. ओके, यस, महावीर चक्र, जोगेंद्र सिंह यादव. अभिराम यू आर करेक्ट. ओके, चलिए कीर्ति चक्र देखते हैं. सो अशोक चक्र इज फॉलोड बाय कीर्ति चक्र, ये प्रेसिडेंस याद रखिएगा. ऑलराइट, कीर्ति चक्र इट इज आल्सो अ पीस टाइम अवार्ड, मे बी अवार्डेड टू सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री पर्सनल इंक्लूडिंग पोस्थमोस अवार्ड. मरणोपरांत भी मिल सकता है. इट इज पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ महावीर, जैसे मैंने बताया आपको.
second in order of precedence in the peacetime awards. And before 1967, these awards were known as Ashok Chakra Class 2. So it was 1967 जिसके पहले इसको अशोक चक्र क्लास 2 बोलते थे. अब इसके रिबन में आप एक बार नोट करिए क्या है. यू कैन टू सी टू ऑरेंज कलर स्ट्राइप्स ऑन ए ग्रीन कलर बैंड. ओके, सो दिस सिंबलाइजेस क्लास 2. ओके, एंड इफ यू सी शौर्य चक्र, इसमें तीन ऐसे स्ट्राइप्स हैं. सो दिस टॉक्स अबाउट क्लास 3. ओके, सो अवॉर्डेड फॉर वैलोर, करेज एंड सो एंड सो. इट प्रिसीडेड द सेना मेडल. अब इसके नीचे आ जाते हैं क्या ना, सेना मेडल. ओके, सो अशोक चक्र, शौर्य चक्र एंड कीर्ति चक्र एंड द शौर्य चक्र. ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द थर्ड क्लास ऑफ अवार्ड, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वॉर टाइम और पीस टाइम सर्विस अवार्ड. ओके, ओके, सो वॉर टाइम और पीस टाइम सर्विस अवार्ड. नाउ वील टॉक अबाउट ऑल द सेना अवार्ड जो कि एग्जाम में आते हैं डेफिनेटली. किसको मिला है ये क्वेश्चन होता है. ऑलराइट, सो फर्स्ट वन, सेना मेडल अवार्डेड टू मेंबर्स ऑफ इंडियन आर्मी ऑफ ऑल रैंक्स, राइट, फॉर सच इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ एक्सेप्शनल डिवोशन टू ड्यूटी और करेज. द अवार्ड्स मे बी पोस्थमसली अवार्डेड and a bar is authorized for subsequent award for sena medal. It can be awarded for distinguished service carried out by any soldier not in the face of enemy. See, baat ye hai, not in the face of enemy matlab war time nahi. Okay, from February 1, 1999 the central government set a monthly stipend of ₹250. ab isko badha ke ₹2000 kar diya gaya hai. Those who have been given sena medal unko mahine ke ₹2000 monthly stipend मिलते हैं आज के डेट में. सेना मेडल के बाद बाद आता है नौ सेना मेडल. ओके, दैट इज फॉर आर्मी. अब ये हो गया क्या ना नेवी के लिए. नौ सेना मेडल ये देते हैं कौन, प्रेसिडेंट. नौ सेना मेडल आप देख सकते हो, ब्लू कलर का एक रिबन है, उसके ऊपर व्हाइट कलर का एक स्ट्राइप है. तो इसको हम लोग बोलते हैं नौ सेना अवार्ड. ओके, नौ सेना अवार्ड में खासियत यह है, इसको प्रेसिडेंट देते हैं और ऑन 17 जून 1960. ओके, 17 जून 1960 से ये दिया जा रहा है. थर्डली द वायु सेना मेडल. तो सेना मेडल में ये तीसरा अवार्ड है और ये जो आप देख सकते हो स्ट्राइप जो है, रिबन है ऑरेंज में, व्हाइट कलर के स्ट्राइप्स हैं जेब्रा क्रॉसिंग जैसे. ओके, तो दिस इज द वायु सेना मेडल. अब ये दिया जा रहा है कब से ना, 17 जून 1960, एंड अवार्ड्स हैव बीन मेड फ्रॉम 1961 ऑनवर्ड्स. सो दिस आर ऑल वायु सेना मेडल. ये ऐसे हिडन क्वेश्चंस होते हैं ना फ्रेंड एग्जाम में, जो आ जाते हैं और हम लोग उनका आंसर नहीं कर पाते हैं. ओके, सो आई होप यहाँ से कुछ आइडिया मिलेगा और कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा कि ये पढ़ना है. वन इज वायु सेना मेडल. सी दे हैव बेसिकली अवार्ड्स ओवर द पास्ट डिकेड और मोर हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. एक हो गया वायु सेना मेडल, एक हो गया वायु सेना मेडल डिवोशन टू ड्यूटी और गैलेंट्री. इसके दो क्लासेस हैं. ओके, क्वेश्चन क्या आ सकते हैं एग्जाम में कि इस बार वायुसेना मेडल किसको मिला है, राइट. तो इतना तो पता होना चाहिए, वायुसेना मेडल एयरफोर्स वालों को मिलता है. एंड नेक्स्ट वन, वॉर टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, जैसे सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल. सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, इसमें येलो कलर का रिबन होता है और रेड कलर का एक स्ट्राइप. मीन्स दिस इज क्लास वन. इंडिया इज हाइएस्ट वॉर टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस डेकोरेशन. वॉर टाइम के समय, युद्ध के समय कोई भी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड. इट इज अवार्डेड फॉर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एन ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट व्हिच इंक्लूड्स टाइम ऑफ वॉर, कॉन्फ्लिक्ट और हॉस्टिलिटी. वॉर हो या तो कोई तरह का संघर्ष हो या तो हॉस्टिलिटीज किस तरह की हो, उस टाइम में दिया जाता है ये. द अवार्ड इज अ वॉर टाइम इक्विवेलेंट ऑफ परम विशिष्ट सेवा मेडल which is India's highest peacetime distinguished service decoration. It may be awarded posthumously, ye maranoparant diya ja sakta hai. It may be awarded to all ranks of army. When I say all ranks of army, that includes the army, navy and the air force, including those of territorial army units as well. Ab auxiliary reserve forces,
जैसे कि आप बोलो ऑक्सिलरी एंड रिजर्व फोर्सेस, जैसे CRPF हुआ, इनको भी ये दिया जा सकता है, CISF, BISF, BSF, ITBP, आसाम राइफल्स एंड सो एंड सो। ओके, एंड एंड वन मोर थिंग, जो सारे नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं इनको भी ये अवार्ड मिल सकता है। नर्सिंग ऑफिसर्स मतलब जितने सारे आर्मी के डॉक्टर्स होते हैं, अगर वो कहीं वॉर टाइम में प्लेस होते हैं वहां पर, जो वॉन्डेड सोल्जर्स होते हैं, जो जिनको नुकसान पहुंचा होता है, उनको हॉस्पिटैलिटी सर्विस दे रहे होते हैं, तो नर्सिंग ऑफिसर्स को भी ये मिल सकता है। अब खासियत ये है, क्यों ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये मेडल आज तक 3 बार ही दिया जा चुका है हिस्ट्री में, ओनली 3 टाइम्स। फर्स्ट टाइम मिला था किसको ना, लेफ्टिनेंट जनरल AS कलकार को। अब जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में पोस्टेड थे, आई टेल यू पीस कीपिंग फोर्स क्या होता है, यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशल आर्मी का विंग होता है, जिनको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस। अब ये होता ये है कि दुनिया भर में जितने सारे मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, हर कंट्री इसमें अपने आर्म फोर्सेस के कुछ टुकड़ियां भेजती है, इंडिया की भी जाती है। ओके, तो श्रीलंका में जो पोस्टेड थी इंडियन आर्मी की ये बटालियन, उनमें उनके जो हेड थे लेफ्टिनेंट जनरल AS कलकात, इनको ये अवार्ड मिला था पहली बार। एयर मार्शल विनोद पाटनी, जिनको वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ थे, उनको मिला था। और तीसरी बार मिला था लेफ्टिनेंट जनरल HM खन्ना को, जो नॉर्दर्न आर्मी के हेड थे एंड ड्यूरिंग कारगिल वॉर। तो 3 बार ही मिला है, इन तीनों बार को आप एक बार याद रखिएगा। डिफेंस से रिलेटेड जो कोई भी एग्जाम में आप बैठो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इन डेप्थ। ओके, इट इज फॉलोड बाय उत्तम युद्ध सेवा मेडल। उत्तम युद्ध सेवा मेडल इंडियाज मिलिट्री डेकोरेशन फॉर वॉर टाइम, इट इज अवार्डेड फॉर हाई डिग्री ऑफ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एन ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट विच इंक्लूड्स टाइम्स ऑफ वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, हॉस्टिलिटीज। ओके, तो उत्तम युद्ध सेवा मेडल में भी अवार्डेड पोस्टमसली, तो ये मरणोपरांत भी मिल सकता है, राइट? अब आप इसमें देखिए, देर आर ऑन ए येलो येलो स्ट्रिप देर आर 2 रेड कलर स्ट्राइप्स। ओके, रेड येलो रिबन के ऊपर 2 रेड कलर के स्ट्राइप्स है, मतलब दिस इज ए क्लास 2 मेडल इन दिस लाइन। ओके, इस तरह से आपको पहचानना है कि कौन सा मेडल किस क्लास का है। नेक्स्ट इज युद्ध सेवा मेडल। नाउ इट मे बी अवार्डेड पोस्टमसली एंड इन 2019 मिंटी अग्रवाल बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी गिवेन द युद्ध सेवा मेडल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2019, आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछ लीजिए, जो भी अभी अभी NTPC का एग्जाम दे रहे हैं उनको पूछिएगा करंट अफेयर्स कितने महीने का आ रहा है कि कितने साल का आ रहा है। दे कैन इजिली टेल यू कि सर करंट अफेयर्स बेसिकली 2-3 साल पहले का भी पूछ रहा है रहे हैं। सो इफ यू आर इन 2021, तो 2019 का ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मिंटी अग्रवाल बिकेम द फर्स्ट लेडी टू गेट दिस युद्ध सेवा मेडल। ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट इन दिस गैलेंट्री अवार्ड, द पीस टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड, परम विशिष्ट सेवा मेडल। मैंने से परम विशिष्ट सेवा मेडल, इसमें येलो कलर का स्ट्राइप येलो कलर का रिबन होता है और एक ब्लू कलर का स्ट्राइप होता है। सो दिस डिस्टिंग्विश्ड इज परम विशिष्ट सेवा मेडल, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, येलो कलर का रिबन है, ब्लू कलर का एक स्ट्राइप है, तो दैट इंडिकेट्स ये क्या है, परम विशिष्ट सेवा मेडल क्लास 1, कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1960। आप एक बात नोटिस करिए, ये सारे जो अवार्ड्स हैं आप देखिएगा, इट वाज इट दीज वर यू नो इनिशिएटेड ड्यूरिंग द इनिशियल फेजेस ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जिस समय में हमारा पाकिस्तान के साथ, आप देखो 1947 में एक बार वॉर हुआ, देर वॉज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड वॉर, लेकिन वॉर हुआ था, देर वॉज अ कन्फ्रंटेशन। ओके, आप पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने पश्तून ट्राइब्स को इंडिया में एंटर करने दिया, भेजा जानबूझ के इंडिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करो, बट इट वॉज आर्मी ऑफ पाकिस्तान वॉज बिहाइंड दैट। ओके, तो आर्म फोर्सेस का स्ट्रगल हुआ पाकिस्तान के साथ, लेटर इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में ये सारे अवार्ड जो है बनाए गए थे। ओके, तो अगर बोला जाए परम विशिष्ट सेवा मेडल कब बने थे, 1960 में, इन रिकॉग्निशन टू पीस टाइम सर्विस ऑफ द मोस्ट एक्सेप्शनल ऑर्डर मे बी अवार्डेड पोस्थमसली। ओके, ऑल रैंक्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस कैन बी गिवन दिस, जैसे टेरिटोरियल आर्मी हुई, स्थल सेना,
ऑक्जिलरी एंड रिजर्व फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी वगैरह, नर्सिंग ऑफिसर्स उनको भी ये दिया जा सकता है. सो दिस इज अबाउट द परम विशिष्ट सेवा मेडल. नेक्स्ट इज अति विशिष्ट सेवा मेडल. अति विशिष्ट सेवा मेडल येलो कलर का रिबन, उसमें ब्लू कलर के दो स्ट्राइप्स, मतलब इट इज अ क्लास टू मेडल इन दिस सीरीज. ओके, द अवार्ड इज अ पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ उत्तम युद्ध सेवा मेडल. अपना एक डायग्राम इस तरह से बनाइएगा, एक ट्री डायग्राम जिसमें ये मेडल्स वगैरह इस तरह से हो. ओके, सो दैट विल गिव अ बेटर आइडिया. द अवार्डी कैन यूज AVSM एज ए पोस्ट नॉमिनल लेटर. व्हेन आई से AVSM, याद करिए पोस्ट नॉमिनल लेटर का मतलब क्या था, कि कुछ पदवियां ऐसी होती हैं जिसको आप प्रेफिक्स के हिसाब से अपने नाम के पहले लगा सकते हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर. तो अति विशिष्ट सेवा मेडल को आप AVSM करके भी लगा सकते हो. ओके, हाँ, प्रोवाइडेड यू आर अलाइव. ओके, इफ यू आर डेड देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग दैट. ओके, सो AVSM आप आराम से लगा सकते हो इसको अपने नाम के पहले. दैट मीन्स आई एम AVSM राजेंद्र खन्ना. ओके, और ब्रिगेडियर राजेंद्र खन्ना एंड समथिंग लाइक दैट. ओके, अच्छा, अति विशिष्ट सेवा मेडल वाज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड एज द विशिष्ट सेवा मेडल क्लास टू. पहला नाम, पुराना नाम तो ये था. लेटर इट वाज रीनेम्ड एज अति विशिष्ट इन द ईयर 1961. ओके, जस्ट बिफोर द इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट. एंड थर्डली द विशिष्ट सेवा मेडल, एज यू कैन सी विशिष्ट सेवा मेडल हैज अ येलो कलर्ड स्ट्राइप, येलो कलर्ड रिबन विथ थ्री स्ट्राइप्स. ओके, द अवार्ड इज टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ ए हायर ऑर्डर, मे बी अवार्डेड पोस्टमसली. दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स. जो जिनको ये मिलेगा वो अपने नाम के पहले प्रेफिक्स के हिसाब से VSM लगा सकते हैं. सो दैट कैन बी डन. ओके, एंड दिस वॉज रीनेम्ड एज अ विशिष्ट सेवा मेडल इन 1967, सून आफ्टर द इंडियन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इन 1965. ऑलराइट, तो सो फार हमने जितने सारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, आर्मी से रिलेटेड अवार्ड्स हैं, वो सारे कंप्लीट किए हैं. ओके, आई विल ट्राई टू कंप्लीट द एंटायर अवार्ड्स बाय दिस बाय द टाइम. ओके, सो हैव पेशेंस. सो लेट्स टॉक अबाउट अदर नेशनल अवार्ड्स जिससे क्वेश्चन आते हैं. जैसे पहले अदर सिविलियन नेशनल अवार्ड्स में पहले आते हैं सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड. सरदार पटेल को बोला जाता है उन्होंने भारत को एकत्रित किया था. ओके, यूनाइटेड द कंट्री सम 562 प्रिंसली स्टेट्स और बहुत सारी रियासतें थी उस समय में. कुछ प्रोविंशियल प्रोविंसेस वगैरह थे जैसे बंगाल प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, सारे को मिलाकर भारत का एक पुनर्गठन किया था उन्होंने. ओके, तो सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड, ऑफकोर्स दीज आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिविलियन अवार्ड्स. उसके बाद होता है चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड. ये बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन बन जाता है. व्हेन नीति आयोग केम इनटू बीइंग, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन और नीति आयोग ने मिलकर ये अवार्ड देना चालू किया. ओके, द चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड इन ऑर्डर टू यू नो क्लीन द कंट्री, क्लीनलीनेस ड्राइव के लिए. एंड अब जो अवार्ड मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इंडिया में विमेन के लिए हाईएस्ट अवार्ड है. हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ वीमेन इन इंडिया. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द नारी शक्ति पुरस्कार. हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न. लेकिन हाईएस्ट अवार्ड फॉर वीमेन इन इंडिया, अगर मैं बोलूं इनके स्पेशली इन दिस क्लास, दैट इज द नारी शक्ति पुरस्कार. रिमेंबर, ओके, व्हेन आई से नारी शक्ति पुरस्कार, लेट्स टॉक अबाउट दिस पुरस्कार इन डिटेल, बिकॉज इसके अंडर में बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं. जैसे आप देख सकते हो, These are granted by the Ministry of Women and Child Development, by the President of India on Women's Day. That's on March 8. कहाँ दिया जाता है? राष्ट्रपति भवन में. The awards were instituted as स्त्री शक्ति पुरस्कार in 1909. अब इनका नाम चेंज करके 2015 में नारी शक्ति पुरस्कार रखा गया. अब इसके अंदर में there are six institutional एंड टू इंडिविजुअल कैटेगरीज. ओके, एंड कैश प्राइज आता है कितना? ₹2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली. ओके, सो दिस इज अबाउट द नारी शक्ति पुरस्कार. ओके, अब इसमें एक चीज मैं मेंशन करना यहाँ पर चाहूंगा कि इनमें कम से कम 6-7 टाइप्स के अवार्ड होते हैं. जैसे अहिल्याबाई होलकर अवार्ड है,
देन रानी गाइडिनल्यू अवार्ड है, और इस तरह के अवार्ड है। ओके सो आई विल रिक्वेस्ट यू, उनको थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा आप, राइट? बिकॉज रानी गाइडिनल्यू कौन थी ये आपको पता होना चाहिए, फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ओके शी वॉज द हीरोइन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन। हीरोइन का मतलब एक्ट्रेस नहीं, हीरोइन का मतलब जो बहुत ही ब्रेव लेडी होती है। ओके हिस्टोरिक लेडी, शी वॉज अ वेरी ब्रेव लेडी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न साइड। अहिल्या बाई होलकर, रानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, एंड सो सो एंड सो। ओके सो इन 6 अवार्ड्स को एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। ऑलराइट सो नेक्स्ट इज द अवार्ड फॉर चिल्ड्रन। अब भारत में बच्चों के लिए कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं चलिए एक बार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है बच्चों के लिए। इट इज फॉर्मली नोन एज नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट। फ्रेंड्स आई अंडरस्टैंड कि एक ही चीज को इतना ज्यादा डिस्क्राइब करके पढ़ना, ग्रेजुएशन में कभी किया नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना पड़ रहा है, मजबूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। आई अंडरस्टैंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट प्लीज हैव पेशेंस, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ओके सो व्हेन आई से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इसका पुराना नाम था नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट। दिस इज इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 18। 18 साल के नीचे बच्चों को दिए जाने वाले हाइएस्ट अवार्ड में सबसे ऊपर आता है ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो ये बच्चों को दिया जाता है 18 साल के नीचे के। द अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन 1996। अब इनके जो अचीवमेंट्स होते हैं कौन कौन से फील्ड में, आर्ट्स, कल्चर, डिजाइन, इनोवेशन, रिसर्च, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स, इन क्षेत्रों में इनको ये अवार्ड मिलते हैं। अवार्ड इज कन्फर्ड बाई प्रेसिडेंट इन द वीक प्रिसीडिंग रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे से पहले वाले हफ्ते में ये अवार्ड दिए जाते हैं, कहाँ पर, राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल है उसमें ये अवार्ड दिए जाते हैं। एंड व्हाट एल्स, प्रीवियसली द अवार्ड्स आर कन्फर्ड ऑन चिल्ड्रंस डे। पहले ये चिल्ड्रंस डे बाल दिवस में दिए जाते थे, अब दिए जाते हैं जो हमारा रिपब्लिक डे है उससे पहले। ओके एंड द अवार्ड इज ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे। जिन जिनको ये अवार्ड दिए जाते हैं वो क्या करते हैं, रिपब्लिक डे में भी राजपथ पर परेड करते हैं या तो परेड में भाग लेते हैं। इट इज फॉलोड बाय नेशनल बाल श्री ऑनर। अब 18 साल से नीचे को दिया जाते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो नेशनल बाल श्री पुरस्कार है इन द एज ग्रुप ऑफ 9 to 16, राइट? इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नेशनल बाल भवन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, अवार्डेड बाय मिनिस्टर एचआरडी एट विज्ञान भवन। ये जो है ये प्रेसिडेंट नहीं देते हैं, ये मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ एचआरडी विज्ञान भवन में ये अवार्ड देते हैं, दैट टू इन दिल्ली। ओके सो दिस इज अबाउट अवार्ड्स इन चिल्ड्रन। तो हम लोग वो सारे अवार्ड्स डिस्कस करेंगे जो सारे एग्जाम में आने के चांस हैं। डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएंगे, आने के चांसेस सभी होते हैं। जीके में हर चीज का इम्पोर्टेंस होता है, रिमेम्बर, एनीथिंग अबव द ग्राउंड, एनीथिंग बिलो द सन मे बी ए क्वेश्चन इन जीके। ये पुरानी बात है, लेकिन आज की बात यह है कि एनीथिंग बिलो द अर्थ एंड एनीथिंग बियॉन्ड द सन मे बी ए क्वेश्चन। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द मेडिसिन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में मोस्टली एक ही सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है भारत में, बीसी रॉय अवार्ड, और इनका पूरा नाम है विधान चंद्र रॉय, इंस्टीट्यूटेड इन 1962 बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट वी कॉल एमसीआई। दिस अवार्ड इज गिवन एनुअली टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, जैसे स्टेट्समैनशिप इन हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ इंडिया, मेडिकल मैन कम स्टेट्समैन। ये सारे अवार्ड, मतलब ये सारे कैटेगरीज हैं, प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन जुलाई 1, दैट इज द नेशनल डॉक्टर्स डे। अगर यहाँ से आपको पूछा जाए व्हेन इज नेशनल डॉक्टर्स डे, इट इज ऑन जुलाई 1। एंड व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल डॉक्टर्स डे दिस ईयर, कौन मुझे बता सकते हैं, कृपया करके थोड़ा बताइए, व्हाट इज द थीम इस साल के डॉक्टर्स डे की थीम क्या थी, सर्च इट एंड जस्ट टेल मी। इट वॉज अवार्डेड इन 1973 टू संदीप मुखर्जी, हु वाज द फर्स्ट रेसिपियंट। अब दिया किसने था, वीवी गिरी ने, जो वहां के उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, राइट? सो दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इन इंडिया सो फार। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिटरेचर अवार्ड्स की। लिटरेचर अवार्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लिटरेचर में 3 सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपके एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे ज्ञानपीठ,
देन सरस्वती सम्मान एंड व्यास सम्मान. ओके, नाउ कैन एनीवन जस्ट टेक दैट पेन एंड टेल मी कि डॉक्टर्स डे का थीम क्या था इस बार का? व्हाट इज द थीम ऑफ डॉक्टर्स डे दिस टाइम? ओके, सो इन दैट टाइम आई एम मूविंग अवर्ड अहेड. लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड, द हाईएस्ट ऑनररी लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया, प्रेजेंटेड एनुअली बाय भारतीय ज्ञानपीठ टू एन ऑथर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर. अब ये बना था 1961 में. इट इज बेस्ट आउट ओनली ऑन इंडियन राइटर्स. सी, ये जो टर्म है, यस मनीषा यू आर करेक्ट. डॉक्टर्स डे का थीम था लेसन द मोर्टालिटी ऑफ कोविड-19. डॉक्टर्स इस बार इस साल पूरे मतलब पूरे फॉर्म में थे. ओके, बिकॉज दे वेर द कोविड वॉरियर्स. उन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाई है. जैसे हम लोग बोलते हैं डॉक्टर्स भगवान का रूप होता है, तो उन्होंने साबित भी किया कि हाँ डॉक्टर्स सचमुच भगवान का ही रूप होते हैं. ओके, सो इस बार डॉक्टर्स ने हम सबकी जान बचाई है, तो उनको पहले सैल्यूट करते हैं. और आज की ये जो क्लास है, ये स्पेशली मैंने इसे रखी थी क्योंकि रिपब्लिक डे के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, जवान हैं, उनको हमको अपने तरफ से सल्यूट करना ही चाहिए. तो इसके लिए गैलेंट्री अवार्ड से मैंने चालू किया. एंड कोविड वॉरियर्स को तो वैसे भी हम लोग सैल्यूट करते ही हैं, उनके ऊपर फ्लावर्स की रेन की जा रही है. तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन अवर सोसाइटी. ओके, सो ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, रिमेंबर इट इज ग्रांटेड ओनली टू इंडियन राइटर्स. ओके, नॉट फॉरेन राइटर्स. दैट टू राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड दोज लैंग्वेजेस विच आर मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब आपको पता ही है यहाँ पर देर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 8th शेड्यूल. तो ये याद रखेगा, 8th शेड्यूल में क्या है? 8th शेड्यूल में लिखा है लैंग्वेज. ओके, एंड रिमेंबर देर इज नो पोस्टमस कंफेरल, मतलब मरणोपरांत नहीं दिया जाता है ये. तो ये वैसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा मार्क दिलवा सकते हैं. मोस्ट रिसेंट रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड इज मलयालम पोएट एंड एसेइस्ट अक्कीतम अच्युतम नाम्बूथिरी, वाज अवार्डेड इन द ईयर 2019. इट वाज द मोस्ट रिसेंट वन. अगर किसी को रिसेंटली मिला है तो आप मुझे एक बार अपडेट कर दीजिए. नेक्स्ट इज साहित्य अकादमी अवार्ड, एनुअली कन्फर्ड टू 24 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग दोज 22 लिस्टेड इन 8th शेड्यूल. मतलब ये 22 और राजस्थानी एंड इंग्लिश, तो टोटल 24 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं ये एकेडमी अवार्ड. यस फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन, क्योंकि चीजें आपके लिए ही बनाई गई हैं. ओके, अच्छा, ये जो साहित्य एकेडमी अवार्ड हैं, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1954. अगर आप 1954 को अच्छे से देखो तो आपको पता चलेगा 1954 के बाद बाद इंडिया में बने थे कुछ स्टील प्लांट्स. ओके, जैसे राउरकेला स्टील प्लांट प्लांट भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट. ओके, तो 1955 के बाद बाद ही बनने चालू हुए. एंड अबाउट दिस अवार्ड, साहित्य एकेडमी अवार्ड, द अवार्ड कंप्राइजेस ए प्लैक एंड ए कैश प्राइज ऑफ 1 लाख रुपीज. बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है इसमें. प्लैक अवार्डेड बाई साहित्य अकेडमी वॉज डिजाइंड बाय सत्यजीत रे, इंडियन फिल्म मेकर सत्यजीत रे ने ये अवार्ड को डिजाइन किया था. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, अच्छा, नेक्स्ट इट इज फॉलोड बाय सरस्वती सम्मान. बार बार एग्जाम में पूछते हैं हु इज द रेसिपियंट ऑफ सरस्वती सम्मान दिस टाइम, तो ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है. इट इज गिवेन इन द फील्ड यू नो लिटरेरी वर्क इन 22 लैंग्वेजेस इन इंडिया. बना था 1991 में, के बिरला फाउंडेशन ने इसको बनाया है. अब इसमें मिलते हैं 15 लाख रुपए एंड साइटेशन एंड ए प्लैक. ओके, द इनॉगरल अवार्ड वाज गिवन टू हरिवंश राय बच्चन. हरिवंश राय बच्चन आपको पता होगा ये कौन है, अमिताभ बच्चन के. हाँ, यू आर करेक्ट, फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज अमिताभ घोष. यस ओके ओके ओके, पार्डन मी देवज्योति, यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट. इट्स नॉट 1 लाख, इट इज नहीं, ये 10,000 नहीं है, एक जीरो यहाँ पर मिसिंग है. आप एक बार सर्च करिए, ये जो है ये अवार्ड 1 लाख ही मिलता है, 10,000 नहीं, एक जीरो आई थिंक मिसिंग है वहां पर. ओके, अकॉर्डिंग टू फॉरेन काउंटिंग, ये साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इसमें 1 लाख रुपए का ही पुरस्कार मिलता है, 10,000 नहीं. ओके, तो एक जीरो वहां पर मिसिंग है.
अच्छा, ये जो सरस्वती सम्मान है ये मिला था किसको? पहला मिला था हरिवंश राय बच्चन, अगर आपको याद हो। हरिवंश राय बच्चन कौन कौन है? अमिताभ बच्चन के पिताजी। ओके, अब इनको अपने ऑटोबायोग्राफी के जो 4 वॉल्यूम थे उसके लिए मिला था, जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, निदा का निर्माण, निदा का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दस द्वार से सोपान तक, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी के कुछ वॉल्यूम से इनको मिला था। नेक्स्ट इज फॉलोड बाय व्यास सम्मान। ओके, व्यास सम्मान पहले दिया गया 1991, अगेन इट वाज यू नो इनिशिएटेड बाय के बिरला फाउंडेशन। इसमें दिया जाता है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। टू बी एलिजिबल द लिटरेरी वर्क मस्ट बी इन हिंदी लैंग्वेज, राइट? ये हिंदी साहित्य पे ही आधारित अवार्ड है। एंड हैव बीन पब्लिश्ड इन द पास्ट 10 ईयर, 10 साल से लगातार कोई हिंदी साहित्य के तरफ कोई योगदान करता रहा उसको मिलता है व्यास सम्मान, है ना। पहला 2019 में लास्ट मिला था किसको? नसीरा शर्मा, फॉर कागज की नाव और पेपर बोट, इसके लिए मिला था। ऑलराइट, इट इज फॉलोड बाय स्पोर्ट्स अवार्ड। बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड जब आप SSC रेलवेज वगैरह में बैठते हो उसके एग्जाम्स देने के लिए। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो सर चक्कर कर देते हैं, पूरे सर घुमा देते हैं इस तरह से, सर मतलब मैं नहीं, दिमाग घूम जाता है। ओके ओके, स्पोर्ट्स अवार्ड एंड एडवेंचर अवार्ड। व्हेन आई से स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर, ये एक अलग कैटेगरी है। ओके, स्पोर्ट्स में मिलते हैं टोटल 6 अवार्ड और एडवेंचर में मिलता है एक, तो टोटल 7 अवार्ड होते हैं, ये माइंड में रखिएगा। ऑलराइट, तो स्पोर्ट्स अवार्ड में हाईएस्ट, सी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इज अ कलेक्टिव नेम गिवन टू 6 स्पोर्टिंग अवार्ड इन इंडिया, दिए जाते हैं किसके द्वारा? अवार्डेड एनुअली बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर। कौन देते हैं? प्रेसिडेंट देते हैं एट ए सेरेमनी ऑन 29th of August। बच्चों अगर याद हो 29th of August किसका बर्थडे है? हु कैन टेल मी, 29th of August इज द बर्थडे ऑफ होम। आगे जो भी एग्जाम देने वाले हो इनमें से क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली। स्पोर्ट्स इज ए वेरी पोटेंशियल एरिया जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इतना बड़ा अचीवमेंट किया लेकिन उनको उनको आज तक भारत रत्न नहीं मिला, वो कौन थे? एंड सिंस 2004 तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इज ऑल्सो गिवेन अलॉन्ग साइड विद स्पोर्ट्स अवार्ड। तो ये 6 और ये 1 हो गया 7। आज ऑफ 2020 1259 इंडिविजुअल्स हैव बीन गिवन दिस अवार्ड। तो चालू करते हैं पहला स्पोर्ट्स अवार्ड जो कि हाईएस्ट है इंडिया में, यही क्वेश्चन है एग्जाम में, विच इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया? राजीव गांधी खेल रत्न, हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया। इट इज अवार्डेड एनुअली बाई मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल का कंटिन्यूस परफॉर्मेंस देखने के बाद ये अवार्ड मिलता है, 1 साल का नहीं। एज ऑफ 2020 इट कंप्राइजेस मेडालियन सर्टिफिकेट और 25 लाख रुपए। ओके, सो फार आई डिडंट गेट दैट आंसर, कोई मुझे बता सकते हैं 29th of August किसका बर्थडे है? किसके बर्थडे पे स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं? ओके, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991 में चालू हुए। फर्स्ट रेसिपिएंट वेयर वाज द ग्रैंड मास्टर इन चेस, जो आज भी इनका नाम हम लोग लेते हैं, विश्वनाथन आनंद। 2001 में स्पोर्ट्स शूटर अभिनव बिंद्रा बिकम द यंगेस्ट टू गेट इट। 18 साल में अभिनव बिंद्रा यंगेस्ट बन गए जिनको ये मिला था ये अवार्ड। यूजुअली कन्फर्ड अपन ओनली वन स्पोर्ट्स पर्सन इन ए ईयर। नॉर्मल जो कन्वेंशन ये है कि हर साल एक ही इंसान को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलता है, लेकिन अब से ये प्रथा चल रही है कि एक दिया जाता है नॉर्मल स्पोर्ट्स में, एक दिया जाता है पारा स्पोर्ट्स में, इन द सेंस डिजेबल्स के लिए। तो टिल डेट 43 रेसिपिएंट्स हैव बीन गिवन इट इन डिफरेंट फील्ड, जैसे एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, बॉक्सिंग एंड सो एंड सो। मोस्ट रिसेंट रेसिपिएंट्स वेयर रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु हुई जो पारा एथलेटिक्स, मणिका बत्रा। नॉर्मली जो एक ही इंसान को दिया जाता है लेकिन अब ये जो रूल चेंज हो चुका है, मणिका बत्रा फ्रॉम टेबल टेनिस, विनेश फोगट फ्रॉम रेसलिंग एंड रानी रामपाल फ्रॉम हॉकी। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है रानी रामपाल बिलोंग्स फ्रॉम विच स्पोर्ट्स, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्पोर्ट्स से कुछ भी क्वेश्चन पॉसिबल है। यस रिंकिना, यू आर करेक्ट।
29th of August इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद, ओके, जिनको हम लोग बोलते हैं इज द विजार्ड ऑफ हॉकी इन इंडिया, विजार्ड ऑफ हॉकी इन इंडिया, ओके. तो दीज अवार्ड्स आर फॉलोड बाय अर्जुन अवार्ड, ओके. सो व्हेन आई से दिस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज फॉलोड बाय अर्जुन अवार्ड, शुभश्री यू आर ऑल्सो करेक्ट, मेजर ध्यानचंद, ओके. सी अर्जुन अवार्ड एनुअली अवार्डेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स. अब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर अभी कौन है, हु इज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ यूथ अफेयर्स, जस्ट टेल मी. बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न द अवार्ड वॉज द हाइएस्ट इन इंडिया. 1991 से पहले ये जो था हाइएस्ट था. ये कब बना था, 1961 में. 30 साल तक अर्जुन अवार्ड वॉज द हाइएस्ट अवार्ड टिल 1991. ओके. एज ऑफ 2020 इट कंप्राइजेस अ ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ अर्जुन. आपको पता होगा ये अर्जुन अवार्ड देखने को कैसा लगता है, दिखता है. तो ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ अर्जुन मिलता है इसमें और कैश प्राइज मिलता है 15 लाख रुपए. टू ऑनर द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द कंट्री इट अवार्ड्स ओवर थ्री द ईयर्स हैज अंडरगॉन नंबर ऑफ एक्सपेंशन. द अवार्ड वॉज एक्सपेंडेड इन टू इंक्लूड ऑल रिकोगनाइज डिसिप्लिन. In 1977, it introduced indigenous games and physically handicapped category. Okay. और इसके लिए in 2002 एक separate award बना, that was the ध्यानचंद award. Right. Yes, Kiran Rijiju, Sports Affairs Minister. Okay, thank you so much. ध्यानचंद award is the next one. It is a lifetime achievement award. Remember, ये बड़ा important statement है. When I say ध्यानचंद अवार्ड जो होता है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है ना. एंड इट इज नेम्ड आफ्टर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद से 1905 से 1979 एंड एन इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर हु स्कोर्ड 1000 गोल्स, 1000 गोल किए थे अपने करियर में स्पेंड ड्यूरिंग हिज 20 इयर्स टाइम. ओके. एंड दिस ध्यानचंद अवार्ड इज अवार्डेड एनुअली, दैट्स करेक्ट. एंड एज ऑफ 2020 अवार्ड comprises statue of ध्यानचंद, सर्टिफिकेट एंड 10 लाख रुपीज कैश. अब ये बना था कब, 2002 में, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये 2002 में बना था. अर्जुन अवार्ड को के साथ साथ इसको बनाया गया था लेटर. तो disciplines include ओलंपिक, पैरालंपिक एंड सो एंड सो. फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ द अवार्ड वॉज साहूराज बिराजदार इन बॉक्सिंग, अशोक दीवान, अपर्णा घोष एंड सो एंड सो. इनको 2002 में मिला था ध्यानचंद अवार्ड. तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम. अब यूजुअली कंफर्ड नॉट मोर देन 3 स्पोर्ट्स पर्सन. अब ये जो ध्यानचंद अवार्ड होता है ना, एक साल में 3 से ज्यादा लोगों को नहीं मिलता है. ओके. एक बार ये अवार्ड, यस, इट्स गिवन टू, यू नो, नॉट मोर देन 3 अवार्ड, 3 पीपल. ओके. अच्छा, द्रोणाचार्य अवार्ड जैसे आपको पता है, ये जो कोच होते हैं, किसी प्लेयर के कोच को मिलता है ये अवार्ड. इट इज अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, अवार्डेड एनुअली बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर. अब क्यों मिलता है, 2 अवार्ड्स आर डेजिग्नेटेड फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन इन कोचिंग वेर द अचीवमेंट्स इन प्रोड्यूसिंग आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन. मतलब किसी भी कोच ने अगर किसी एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को या स्पोर्ट्स पर्सन को बनाया हुआ रहता है, ट्रेन किया हुआ रहता है फॉर ए स्पैन ऑफ 20 इयर्स. ओके. एक बहुत लंबे समय तक कोचिंग देकर बहुत बड़े बड़े महान महान खिलाड़ियों को बनाया होता है, ऐसे लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है. द्रोणाचार्य कौन थे आपको पता होगा. एज ऑफ 2020 द अवार्ड कंप्राइजेस ऑफ स्टैच्यू ऑफ द्रोणाचार्य एंड अलॉन्ग विथ अदर थिंग्स 15 लाख रुपए नकद. बना कब था, 1985 में. द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ द अवार्ड वेयर बालचंद्र भास्कर भागवत इन रेसलिंग, प्रकाश भारद्वाज एंड ओ एम नाम्बियार. ओके. यूजुअली कन्फर्ड अपन नॉट मोर देन 5 कोचेस ईयर. रिमेंबर, ये बड़ा ट्रिके सा क्वेश्चन बन जाता है, राइट. द्रोणाचार्य अवार्ड कैन बी गिवन एट ए टाइम इन ए ईयर टू हाउ मेनी पीपल, मैक्सिमम 2, 3, 4, 5, ABCD 4 ऑप्शन होंगे. तो वट इज द आंसर, इट इज 5. 5 से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जाता है. ओके. द 5th स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया इज द मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी. इसको ना माका ट्रॉफी भी बोलते हैं. बच्चों, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ ये भी क्वेश्चन बन सकता है, माका ट्रॉफी.
ये सी लिखा हुआ है माका ट्रॉफी। राइट, माका ट्रॉफी का फुल फॉर्म क्या है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि माका ट्रॉफी किसके से रिलेटेड है, जस्ट थोड़ा दिमाग लगाइएगा, वहां पर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसका फुल फॉर्म है। दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इट इज अ रोलिंग ट्रॉफी, ओके, जो जैसे शील्ड होती है ना, रनिंग शील्ड, उस तरह की ट्रॉफी है ये। अवार्डेड टू ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी। आपने ऐसे शील्ड देखी होगी बच्चों, आई होप सो। इस तरह की एक शील्ड होती है कॉलेज में, ये बड़ा कॉमन सा होता है, इस तरह की एक शील्ड होती है, ये रनिंग होती है एक्चुअली। आई होप इस तरह की शील्ड आपने देखी होगी। स्कूल्स कॉलेजेस में इस तरह की शील्ड बड़ी कॉमन होती है, मतलब इस साल जिसने जीती, अगले साल कोई और अगर जीत के ले जाएगा तो वो शील्ड उसके पास चले जाएगी। मतलब रनिंग का मतलब ये कभी किसी के पास कॉन्स्टेंटली नहीं होती है, इस साल किसी के पास, दूसरे साल किसी और के पास। तो इट इज ए रनिंग रोलिंग ट्रॉफी और रोलिंग शील्ड। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल में दी जाती है। कैश प्राइज होता है 15 लाख का। इन बनी थी कब? 1956 में। एंड दी कब जाती है? मेजर ध्यानचंद के बर्थडे में, दैट इज ऑन स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेक्स्ट इज द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, सिक्स्थ वन एंड द लास्ट वन इन द लाइन ऑफ स्पोर्ट्स। अवार्डेड एनुअली और बना था 2009 में, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ओके, तो ये जो है, ये छह जो है ये एक लाइन में आते हैं, ऑल द इम्पोर्टेंट सिक्स अवार्ड इन स्पोर्ट्स। लास्टली एक अवार्ड जो आता है, दैट इज कॉल्ड द अवार्ड इन एडवेंचर स्पोर्ट्स, जैसे तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ओके, इट इज गिवेन, इट इज द हाइएस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑनर इन इंडिया। एंड फ्रेंड्स, आई होप यू नो हु इज तेंजिंग नॉर्गे। तेंजिंग नॉर्गे कौन है? तेंजिंग नॉर्गे, ही वॉज द फर्स्ट, वॉज द फर्स्ट टू स्केल माउंट एवरेस्ट इन इंडिया, राइट? वन ऑफ द फर्स्ट टू इंडिविजुअल्स टू रीच द माउंट एवरेस्ट अलोंग एडमंड हिलरी इन 1953। एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे पहले इंडिविजुअल थे इंडिया में से माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था। ओके, और फ्रेंड्स, व्हेन आई से माउंट एवरेस्ट, ये तो अभी न्यूज में भी वैसे है। ओके, चाइना हैज सेड कि माउंट एवरेस्ट का हाइट जो है वो 3.5 फीट ज्यादा बढ़ गया है। इट इज अवार्डेड एनुअली बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। अब बाकी सारी डिटेल्स, जैसे रेसिपिएंट्स आर ऑनर्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ एडवेंचर्स एक्टिविटीज ऑन लैंड, सी और एयर। ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट होते हैं ना, जैसे पैराग्लाइडिंग होता है, हाँ, बंजी जंपिंग होता है, हाँ, या तो पारा सेलिंग होता है, तो इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स, या तो स्केलिंग माउंटेन, हाँ, माउंटेनियरिंग है ना, रिवर राफ्टिंग, ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। ऑलराइट, एज ऑफ 2020 द अवार्ड कंप्राइजेस अ ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ तेंजिंग नॉर्गे अलोंग विद 5 लाख रुपीज। दिस वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1993 में बना था ये। इट इज एन इक्विवेलेंट टू अर्जुना अवार्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में जो स्टैच्यू जो सिग्निफिकेंस अर्जुन अवार्ड का है, यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स में तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड का है। इन 2004 द अवार्ड इज फ्रॉम 2004 इट इज कन्फर्ड ऑन स्पोर्ट्स डे। तो स्पोर्ट्स डे में आप देखो मोटा मोटी 7 अवार्ड दिए जाते हैं, 6 तो स्पोर्ट्स के साइड से और 1 हो गया एडवेंचर स्पोर्ट्स के साइड से। अब लास्ट टाइम जो सबसे सिग्निफिकेंट अवार्ड मिला था, मैंने ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्यों मेंशन किया है, द टर्म इज नाभिक सागर परिक्रमा, मतलब An all women sailing force, मतलब एक ग्रुप निकला वेस्टर्न इंडिया से, वो मतलब दिस वाज एन ऑल विमेन यू नो क्रूज यू नो मिशन, नेविगेशन मिशन। इसमें इंडिया में से इंडियन आई थिंक इट वाज नेवी, इंडियन नेवी की वो ऑफिसर्स थी, तो वो पूरी विश्व की परिक्रमा करने निकले थे। ओके, दैट इज अ सेपरेट इशू, वी विल डिस्कस दैट इशू समवे समडे इन द क्लासरूम, कि ये नाभिक सागर परिक्रमा क्यों इतना सिग्निफिकेंट है और उसमें ज्योग्राफी का लिंक क्या है, वो भी कभी कभी क्लास में मैं आपको बता दूंगा। बट यू अंडरस्टैंड, 2017 में इनको एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए नाभिक सागर परिक्रमा की जो टीम मेंबर्स थी उनको मिला था, वो सर्गियम नेविगेटेड द ग्लोब। बड़ा ही चैलेंजिंग एक्सपेडिशन था, मतलब वहां पर आपको एक्सटर्नल हेल्प कोई नहीं देता है, अपने स्किल के हिसाब से आपको पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आना पड़ता है। ओके, दे सेलिब्रेटेड होली देयर, दे सेलिब्रेटेड दिवाली देयर, दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस ऑन दैट डेक। ओके, तो इट इज वेरी चैलेंजिंग एक्सपेडिशन। चंद्रप्रभा प्रभा एटवाल इज द ओनली डबल रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड सिंस 1994 एंड सेकंड टाइम इन 2009, चंद्रप्रभा एटवाल। ओके, एंड लास्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट
फाइनल सम इम्पोर्टेंट अवार्ड्स, सो स्टिक देयर, ओके वी आर गोइंग टू वाइंड इट अप वेरी सून, ओके, और बाकी कुछ बहुत सारे बहुत कम ही अवार्ड्स बाकी हैं, देन वी विल कवर। सिनेमा के फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड होता है नेशनल फिल्म अवार्ड, हर साल इसमें से क्वेश्चन आते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट मूवी, और बेस्ट मूवी भी कौन कौन से फील्ड में है, बेस्ट मूवी इन हिंदी कैटेगरी एंड इन रीजनल कैटेगरी, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, जैसे आप देखते हो ना, मतलब वो जो एकेडमी अवार्ड्स होते हैं उसमें से जैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें से वैसे ही आते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा एस्टैब्लिश्ड इन 1954, और दे हैव बीन एडमिनिस्टर्ड अलोंग विद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंड इंडियन एंड द इंडियन पैनोरमा, राइट, एंड बाई द इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल सिंस 1973। प्रेसिडेंट इनको इन अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दिस इज फॉलोड बाई इनाग्रेशन ऑफ नेशनल फिल्म फेस्टिवल, ओके, पहले नेशनल फिल्म अवार्ड दिए जाते हैं, फिर नेशनल फिल्म फेस्टिवल इनाग्रेट होता है, और जो मूवीज को यहाँ पर सम्मान मिलता है वो मूवीज वहां पर प्रदर्शित की जाती है, दे आर स्क्रीन देयर, ओके। दिस अवार्ड शो हैज बीन रेफर टू एज एज एकेडमी अवार्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब वहां यूएस में ऑस्कर अवार्ड का जो इम्पोर्टेंस है, इंडिया में नेशनल फिल्म अवार्ड का वही इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सम पुलिस अवार्ड, जैसे प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल, ओके, इट इज अवार्ड टू मेंबर्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट इन इंडिया। अब देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो है ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है, बेसिकली इसमें सबसे बड़ा रोल होता है पुलिस का, ओके, तो इसके लिए मिलता है इनको पुलिस प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल। बना था कब, 1 मार्च 1951, मेडल वॉज ओरिजिनली कॉल्ड प्रेसिडेंट्स पुलिस एंड फायर सर्विसेज मेडल, द मेडल इज अवार्डेड फॉर 8th गैलेंट्री और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पार्डन मी, द मेडल इज अवार्डेड फॉर आइदर गैलेंट्री और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस विद द गैलेंट्री वर्जन ऑफ द मेडल बीइंग अकॉर्डेड अ हायर प्रेसिडेंट। तो गैलेंट्री वाले का जो पद होता है वो ऊंचा होता है यहाँ पर। मेडल इज अवार्डेड एनुअली ऑन रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द ब्रेवरी अवार्ड्स। ब्रेवरी अवार्ड्स बेसिकली छोटे बच्चों को ही मिलता है। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स नंबर 1, इट इज अ सेट ऑफ अवार्ड्स गिवन एनुअली टू अबाउट 25 इंडियन चिल्ड्रन बिलो 16 इयर्स ऑफ एज फॉर मेरिटोरियस एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी अगेंस्ट ऑल ऑड्स। मतलब ये कौन से फील्ड में दिया जाता है, ऑल ऑड, मतलब इफ आई रिमेम्बर वन गर्ल फ्रॉम केंद्रपाड़ा और सम यू नो गहिर मथा भीतर कनिका रीजन, उसके दोस्त जो है वो उस रीजन में ना मगरमच्छ रियरिंग होते हैं, बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं, वो बच्ची की दोस्त क्या की गिर गई पानी में, मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया था, दिस लेडी दिस गर्ल जम्प्ड इनटू द वाटर विदाउट यू नो अंडरस्टैंडिंग कि मेरी जान भी जा सकती है, उस बच्ची ने अपने दोस्त को बचाया मगरमच्छ के चंगुल से, इसके लिए उसको ब्रेवरी अवार्ड मिला था, ओके। ये उड़ीसा गवर्नमेंट OSSC हुआ या OPSC का एक बड़ा पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है, उस गर्ल का नाम क्या था, किस बच्ची ने उड़ीसा से अपनी बच्ची को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, ओके, तो जस्ट चेक इट एंड टेल मी, ओके। सो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिलता है इस फील्ड में। अब बना था 1957 में, इट इज अवार्डेड बाय गवर्नमेंट एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड। नेक्स्ट इज जीवन रक्षा पदक सीरीज। जीवन रक्षा पदक में पहला आता है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, अ सिविलियन लाइफ सेविंग अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन 1961। सर्वोत्तम का मतलब ये होता है क्लास वन, ओके, यहाँ पर, ओके, सर्वोत्तम का मतलब यहाँ पर क्लास वन जीवन रक्षा पदक। जीवन रक्षा का मतलब ये होता है किसी की जिंदगी खतरे में पड़ गई है, आपने अपनी जिंदगी को दाव पे लगा के उसको बचाया। अवार्डेड टू सिविलियंस टू रिवॉर्ड सेविंग लाइफ फ्रॉम ड्रोनिंग, जैसे कोई डूब जा रहा हो या तो आग में पड़ गया हो या तो माइंस रिलेटेड एक्सीडेंट, ओके, माइंस में भी बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, जैसे माइंस में पानी भर जाता है, माइंस की दीवार जो है टूट जाती है, नीचे गिर जाती है, ओके, और ये भी हो सकता है यहाँ से एक टर्म आप लिख लो जिसको बोलते हैं रैट होल माइनिंग। व्हाट इज रैट होल माइनिंग फ्रेंड, इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू आर लिसनिंग टू मी केयरफुली, इस टर्म को लिखिए और इसको सर्च करिएगा, व्हाट इज रैट होल माइनिंग, ओके। सो इट इज अवार्डेड टू सिविलियंस टू रिवॉर्ड सेविंग लाइफ फ्रॉम डिजीज यू नो इंसिडेंसेस।
इट इज अवार्डेड फॉर कॉन्स्पिक्यूअस करेज, मतलब बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाकर किसी की जिंदगी बचाना। नेक्स्ट इज इन दिस लाइन उत्तम जीवन रक्षा पदक, अ सिविलियन लाइफ सेविंग अवार्ड प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1961। इट इज हैविंग इट वाज अर्लियर कॉल्ड जीवन रक्षा पदक क्लास टू। फाइनली जीवन रक्षा पदक दैट इज क्लास थ्री, इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1961। तो अगर मोटा मोटी तौर पर हम लोग देखें तो इस साइड में जीवन रक्षा पदक के तीन सीरीज हैं, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। ऑल राइट, सो फ्रेंड्स दिस इज इट फॉर द क्लास टुडे। यही चीज जो थी आज हमको डिस्कस करनी थी। ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है मोस्टली बच्चों के लिए कि क्या ऐसा पढ़ें इस अवार्ड्स इन इंडिया में कि हमको मोस्टली कुछ आइडिया मिल पाए कि कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन आ सकते हैं। और एज दिस सीजन इज रिलेटेड टू मेनी एग्जाम, बैंक की एग्जाम है, एसएससी की एग्जाम आगे आने वाली है, एनटीपीसी की एग्जाम चल रही है और डिफेंस रिलेटेड एग्जाम है आगे, तो इस टाइम में मुझे ऐसा लगा कि अवार्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मिसलेनियस जीके से, स्टैटिक जीके से, करंट अफेयर्स के साइड से बन सकते हैं क्वेश्चन इसमें से। तो फ्रेंड्स आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई। अगले क्लासेस में आई विल टेक अप डिफरेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस पार्टिसिपेशन फ्रेंड्स। आई कैन सी देयर आर मेनी स्टूडेंट्स स्टिल हियरिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। लेकिन लास्ट में जाते जाते इतना ही बोल के जाऊंगा, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको पेशेंस की बड़ी जरूरत पड़ती है। ये एक लंबी लड़ाई है दोस्तों। लंबी लड़ाई जीतने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कुछ पेशेंस रखिए पास। ओके, अगर नहीं मिल रहा है मार्केट में से कहीं जाके ढूंढ के लाइए, खरीद के लाइए, पेशेंस काम मिलता है। ओके, हैव पेशेंस। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच ऑन दिस संडे मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे फ्रेंड्स। बाय बाय ऑल, थैंक यू अगेन। एंड अगर कोई आपका सुझाव हो कि नहीं सर इस टॉपिक पे हमको और वीडियोस बनाने चाहिए, ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट, आप मुझको सजेस्ट कर सकते हो। इन आवर क्लासरूम्स वी कैन ऑल्सो डिस्कस देम। अभी हम लोग क्लासरूम में डिस्कस कर रहे हैं द बजट ऑफ इंडिया। बजट का पूरा जो है ABCD सब कुछ सिखा रहा हूँ मैं अभी क्लासरूम में, कि बजट की हिस्ट्री क्या है, उसका प्रेजेंट क्या है, उसका फ्यूचर क्या है। ओके, सो दैट वी आर डिस्कसिंग। ऑल दोज हु आर माई क्लासरूम स्टूडेंट प्लीज ज्वाइन द क्लासेस। ओके, सो और अगर कोई आपका सजेशन है यू कैन जस्ट यू नो मेल मी और जस्ट राइट मी। ओके, थैंक यू अगेन, एंजॉय योर डे, बाय बाय ऑल।